नाम मेघना शर्मा है और मुझे स्टार्टिंग में 3 इयर्स पहले स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। मेरा बॉडी लेफ्ट मतलब पूरा फ्रीज हो गया था, बट अचानक से मुझे है ना 1 फरवरी 27 और 28 फरवरी को मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। पेन भी इतना कि अनबियरेबल था, तो लकीली हमको डॉक्टर अजय कोठारी के बारे में पता लगा, तो ओपीडी में हमसे मेरे हस्बैंड मिले और उन्होंने एमआरआई रिपोर्ट और देख करके बोल दिया था कि मैं 90% श्योर हूँ कि इस केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बट 10% मैं फिर भी पेशेंट को देखना चाहूंगा, तो आप एडमिट करवा दीजिए यहाँ पे। तब से लेकर अभी तक इतना रिकवरी है कि मतलब मुझे जो समझ में आया है कि एक तो लास्ट स्टेज ऑपरेशन होती है, उससे जस्ट पहले होता है कि नर्व ब्लॉक करते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, डिस्क सिकुड़ जाती है, नर्व्स फ्री हो जाती है, जिससे मेरा पेन कम हो जाएगा। बट डॉक्टर ने वो भी चूज नहीं किया, हालांकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है डॉक्टर ने ऐसा कहा, बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने मुझे ओनली ट्रैक्शन और फिजियोथेरेपी के लिए रखा, जो कि बिल्कुल नेचुरल थेरेपी है। और उससे इतना है कि आज मैं जाकर के ऐसे थोड़ी देर बालकनी में भी खड़ी होती हूँ, आराम से वॉशरूम और जाती हूँ। डॉक्टर ने जैसा कहा है तो मुझे 3 वीक्स का उन्होंने टाइम दिया है, उसके बाद वो टेस्ट करेंगे कि मेरा क्या रिकवरी रहता है। बट मेरा 70% रिकवरी, क्योंकि मैं जो डे वन पे आई थी तो मैंने डॉक्टर को उठ के बताया था, तो इतना शिवरिंग था और वो मैं चल भी नहीं पा रही थी, और आज मैं एकदम मतलब मैं उठ के बता सकती हूँ कि मैं कैसे एकदम। थैंक यू डॉक्टर अजय कोठारी को। सो इफ यू कैन सी मेघना वाज सफरिंग फ्रॉम बट स्लिप डिस्क, इनको C6 और C7 वर्टेब्रा में अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़ा डिस्क हर्निएशन था, और इस डिस्क हर्निएशन को ज्यादातर ऑपरेशन ही रेकमेंड किया जाता है, बट विद दिस न्यू ट्रैक्शन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, रेस्ट, बहुत से ये डिस्क श्रिंक होकर अपनी जगह पर आ जाते हैं और वो नर्व के ऊपर का प्रेशर कम होकर उनके सिम्टम्स काफी कम हो जाते हैं। तो ये मानना गलत है कि हर स्पाइन का, हर डिस्क का ऑपरेशन होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, 99% ऑफ द स्लिप डिस्क कैन बी ट्रीटेड विदाउट ऑपरेशन। 99% स्लिप डिस्क प्रॉब्लम्स ये बिना ऑपरेशन ठीक किए जा सकते।